स्वागत है आपके साथ मैं जमीन और आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। हेल्दी इंडिया के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने मेडिकल फील्ड में एक नई लकीर खींची, ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसे सिस्टम की शुरुआत की है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मेडिकल फील्ड में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले डॉक्टर विभु पराशर और डॉक्टर खुशबू कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्दी इंडिया में। और सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ही जुबानी में कि ये जो नई व्यवस्था की जो आपने शुरुआत की बिहार में, क्या है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं HTV न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें ये मौका दिया आप लोगों ने, ताकि ये हेल्दी इंडिया प्रोग्राम के जरिए हम अपनी व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी पब्लिक तक कुछ पहुँचा सकें। तो हम आपने जो ये चर्चा किया कि ये जो नई व्यवस्था हमने शुरू की है, इसे हम टेली ICU कहते हैं। ICU तो सभी ने सुना होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट या क्रिटिकल केयर यूनिट। इसमें हर तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो टेली ICU का क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि इसमें हम देश विदेश के डॉक्टरों से अपने ICU में जुड़ सकते हैं और पेशेंट के बेहतर इलाज के लिए उनकी मदद और उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिससे पेशेंट के इलाज में बेहतर आउटकम देखा जा सकता है। डॉक्टर खुशबू, अगला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो पेनलेस डिलीवरी की जो बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनबिलीवेबल है मेडिकल साइंस में रखा जाए, तो क्या है ये, आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं? पेनलेस डिलीवरी के नाम पे ही पेशेंट डर जाते हैं कि कैसा होगा, बच्चा नॉर्मल होगा कि नहीं होगा। कोई भी पेशेंट हमारे पास आते पेन सहना नहीं चाहते हैं, तो आजकल लोग पेन नहीं सहना चाहते हैं, इसके लिए लोग सिजेरियन करा देते हैं। तो पेनलेस डिलीवरी वो प्रोसीजर है जिसमें हम पेशेंट को रीढ़ की हड्डी में एक सुई लगाते हैं और उस सुई के दौरान जो दर्द होता है पेशेंट को प्रसव के दौरान, वो बिल्कुल कम हो जाता है, उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। तो नॉर्मल जो प्रोसीजर है डिलीवरी का, जैसे लोग प्रसव पुश कर देते बोलते हैं, बिल्कुल वो सारा चीज़ महसूस होता है, लेकिन सिर्फ दर्द नहीं होती है पेशेंट को। तो प्रसव का जो दर्द होता है, जो दर्दनाक जो सपना जो पेशेंट के लिए होता है, बिल्कुल वो आरामदायक हो जाता है और इससे पेशेंट नॉर्मली बहुत अच्छे से डिलीवर कर लेती है। कोई दिक्कत भी नहीं होता बच्चे के लिए और मदर के लिए बहुत अच्छे। आपसे इस बारे में हम और डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस तरह की जो नई सिस्टम की जो शुरुआत आपने की है, कहाँ से आप लोगों को ये इंस्पिरेशन मिला है? इंस्पिरेशन का बहुत सोर्स है। नया करने का इंस्पिरेशन तो हमेशा मुझे अपने फादर डॉक्टर सीवी सिंह से मिलता रहा है। बचपन से मैंने देखा है उन्हें हमेशा कुछ सोसाइटी के लिए और हमेशा काम में कुछ नया व्यवस्था नया समाज को देते रहे हैं। और मेरा स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया है, तो क्रिटिकल केयर में हमेशा से ही कुछ अच्छा करने का मन था। मोतिहारी में ऐसा व्यवस्था लाने का मन था जिससे गंभीर मरीजों का इलाज यहाँ किया जा सके, जिससे उन्हें पटना नहीं जाना पड़े, या इमरजेंसी सिचुएशन में जो इलाज हम लोकल जगहों पर दे सकते हैं वो टाइम बीत जाने के कारण बाहर मरीज पहुँच नहीं पाते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे ज़रूरी है कि उसको जिस जगह है उसी जगह बेहतरीन इलाज मिल सके, तो ये हमेशा से दिमाग में था। तो क्रिटिकल केयर लकीली मिलने के बाद ये सपना कुछ हद तक पूरा हो रहा है, इसमें आगे लगे हुए। एंड आई एम लकी कि मेरे हस्बैंड है और मैं गायनी प्रैक्टिस करती हूँ, ऑप्शन गायनी एंड इज एनेस्थीशियन, सो मेरे पास 24/7 एनेस्थीशियन बैकअप है। तो मैं इसका पूरा यूटिलाइज करना चाह रही थी अपने पेशेंट के लिए कि आप नॉर्मल जीवी बिल्कुल फ्रीली ट्राई कीजिए, जब तक आप एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होती दो दैन दो पर सीजेंगे। सो एनेस्थीशिया 24/7 हमारे पास है। तो नॉर्मल डिलीवरी के पहले डिलीवरी वन सेट हम दोनों ने मिलकर सोचा कि पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम इंकरेज करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों ने मिलकर एक नई सिस्टम बिल्कुल अलग तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ पे स्पेशली बिहार में लाया है। डॉक्टर विभु, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी बात की थी टेली ICU, तो थोड़ा आप हमें इसका डिटेल फंक्शनिंग क्या है इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएगा? टेली ICU एक्चुअली ये बहुत नया कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी और मेडिसिन का एमलगम है, एक साथ मिलाव है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सबसे पहले US में शुरू हुआ क्योंकि क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स की बहुत कमी थी वहाँ, तो हर हॉस्पिटल में नहीं होते थे डॉक्टर्स, तो जहाँ एक डॉक्टर हैं वहाँ बाकी टेली ICU की टीम से डॉक्टर्स की मदद से इलाज किया जाता था।
तो वो कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी शुरू हो रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे जीई है, फिलिप्स है, वो लोग बड़े स्तर पर करते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ ऐसे क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स की टीम है जो यूएस क्लीवलैंड क्लिनिक से क्रिटिकल केयर पल्मोनरी मेडिसिन में सुपर स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग इंडिया वापस आके इटली आईसीयू का कॉन्सेप्ट इंडिया में शुरू कर रहे हैं लास्ट एक साल से। तो उनके साथ हमारी ट्रेनिंग रही है, बातचीत होती रही है पहले। तो उसी दौरान हमने सोचा कि जब बैंगलोर में हो रहा है, जब मैसूर में हो रहा है, तो मोतिहारी में क्यों नहीं। तो यहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है, हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं मिल पाते हैं या टाइमली और मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं हो पाता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डॉक्टर की सपोर्ट नहीं मिल पाती। तो ये दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने टेली आईसीयू का कॉन्सेप्ट लाया। इसमें क्या किया गया है कि आईसीयू एज इट इज़ है, बेड्स, पेशेंट, मॉनिटर सब सेम है। एक्स्ट्रा क्या किया है हम लोगों ने, इसमें बहुत हाई डेफिनेशन, बहुत हाई एंड कैमरा लगे हुए हैं जो कि लाइव टेलीकास्ट करता है हमेशा इमेज बेंगलोर में, जो वहाँ टेली आईसीयू की टीम बैठी हुई है। साथ में उसमें ऑडियो भी टेलीकास्ट होते रहता है और एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के आगे कैमरा लगा होता है जो मेरे नर्सिंग टीम या डॉक्टर्स उनके फेस टू फेस हमेशा रहते हैं 24/7। तो उस कैमरे के जरिए वो हर एक पेशेंट का राउंड्स लगा सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग राउंड्स लेते हैं उस कैमरे के जरिए। और वो कैमरा इतना हाई डेफिनेशन होता है कि पेशेंट की आँख के पुतली तक भी देख सकते हैं। और बाकी फीडबैक जो हम लोग यहाँ पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, जो फाइंडिंग्स मिलता है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमेशा शेयर करते रहते हैं। और उस शेयरिंग करने के बाद हम लोग एक कॉमन डिस्कशन के बाद एक डिसीजन पे आते हैं जिससे कि पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकें, अननेसेसरी ड्रग्स ना मिले, अननेसेसरी हायर एंटीबायोटिक्स ना मिले। तो इस चीज़ से ट्रीटमेंट कॉस्ट को भी काफ़ी कटिंग करना कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन और 24 आवर्स जो यहाँ हमारे आईसीयू में डॉक्टर्स की टीम होती है और टेली आईसीयू की टीम जो बैंगलोर में बैठी है, इनके इंटरेक्शन से साथ में हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। विदाउट फिजिकल अपीयरेंस, सिर्फ ऑडियो और विजुअल के माध्यम से ये जो पूरा मॉनिटरिंग हो रहा है, इस बात से आप कितना इतफाक करते हैं? जैसे अभी सर बताएं कि कैमरा इतना हाई डेफिनेशन होता है कि हम लोग आँखें खुली भी देख सकते हैं, तो जो डॉक्टर जो बैठे हैं बैंगलोर में वो हर एक सेकेंड का हर चीज़ का मॉनिटरिंग वहाँ पर हो रहा है। तो ऑडियो विजुअल के दौरान वो हमारे स्टाफ से 24/7 कम्युनिकेट करते रहते हैं कि आज क्या हुआ, पेशेंट का आउटकम कैसा है, पल्स कितना है, बीपी क्या है। उनके पास हमारा ड्रग लिस्ट भी होता है कि हमने क्या ड्रग दिया, हमारे रिपोर्ट्स, हमारे लैब के सारे रिपोर्ट्स इमिडिएटली उनके पास आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर यहाँ पे होते हैं, डॉक्टर तो सर यहाँ पे हैं, लेकिन अगर कुछ एडवाइस होता है तो हम बहुत सारे डॉक्टर हैं जो हमेशा हमें एडवाइस दे दें कि हाँ अब ये आगे करने की ज़रूरत है। तो अब नाउ पेशेंट को रेफर, जो पहले पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उसको रेफर कर देते हैं। अब क्या है, बहुत सारे ग्रुप हैं, अब हम लोग सिर्फ हम दोनों नहीं, अब हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा हमें गाइड कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, नेक्स्ट एसीटी स्कैन करा दो, अल्ट्रासाउंड करा दो। तो 24/7 कोई ना कोई हमें गाइड कर रहा है। तो पेशेंट रेफरल, जो पेशेंट रेफर होकर बाहर जा रहे थे वो बिल्कुल अब रेफर नहीं हो रहे, बिल्कुल वो ट्रीटमेंट सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर विभू पराशर ने एक नई व्यवस्था की शुरुआत की है जिसका नाम टेली आईसीयू। इनकी इन कोशिशों के वजह से मोतिहारी जैसे छोटा शहर भी डिजिटली एडवांस हो गया है। इसके जरिए देश विदेश के डॉक्टर्स भी अपने मरीजों का सही इलाज और बेहतर इलाज कर पा रहे हैं। डॉक्टर विभू पराशर और डॉक्टर खुशबू कुमारी से बातों का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।